बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्लॉन्ड बॉय को देखते हैं जो अपने हाथों से गन बनाकर अपने पीछे बैठे एक आदमी को शूट करता है और इसके बदले में वो आदमी भी उसे मरने की एक्टिंग करने लगता है। पर अगले पल जब वो आदमी शूट करने के लिए अपने हाथों से गन बनाता है तो वो बच्चा बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि वो आदमी तो सच में एक क्रिमिनल होता है। उस आदमी के पास ही दो काले कोट पहने ऑफिसर बैठे हुए थे जो उसे ये करने से मना करते हैं, पर वो उनसे कहते हैं कि मुझे आज तो खेल लेने दो, मुझे जेल में ऐसे खिलौने कहाँ मिलेंगे। यहीं पर दूसरी तरफ हम एक एयर होस्टेस को देखते हैं जो प्लेन में पैसेंजर्स की काउंटिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर एक ब्लू शर्ट वाले बंदे पर पड़ती है जिसे देखते ही वो एक पल के लिए रुक जाती है, पर अगले ही पल वो काउंटिंग फिर से स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ सीन कुछ देर पहले शिफ्ट हो जाता है। हम उसी क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर रेन है और उसके पास कुछ डॉक्टर खड़े हुए थे जो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले हैं। क्योंकि रेन एक बहुत शातिर क्रिमिनल होता है तो वो समय समय पर अपना हुलिया बदलता रहता है, पर आज ऑपरेशन के बीच में ही कुछ सीबीआई के आ जाते हैं जो रेन को पकड़ लेते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम एक बार फिर से उसी फ्लाइट अटेंडेंट को देखते हैं जिसे कुछ अजीब लग रहा था, और इतने में ही वो आदमी अपनी गन निकाल करके उसे गन पॉइंट कर लेता है और इसके बाद वो प्लेन के पायलट से प्लेन की कीज की डिमांड करता है। पर इतने में ही एक बहादुर पैसेंजर उसकी गन को छीन कर उसे हरा देता है और ये देख कर जोर से तालियां बजने लगती है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक डमी था, मतलब ये लोग किसी भी प्लेन में नहीं होते हैं। सच तो ये है कि वो आदमी फ्लाइट अटेंडेंट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है और उसी की क्लास चल रही थी। तभी वहाँ पर एक सीबीआई का एजेंट आता है और उसे जॉन नाम से बुलाता है। वो उसे एक फ्लाइट में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब भी ऑफर करता है, पर जॉन इस बात के लिए उसे मना कर देता है, लेकिन वो एजेंट उससे काफी रिक्वेस्ट करता है तो जॉन एक बार उनसे मीटिंग करने के लिए मान जाता है। और इसी मीटिंग के लिए वो एक फ्लाइट में जाता है जिस फ्लाइट में रेन को भी रखा गया था। दरअसल रेन एक बहुत शातिर क्रिमिनल होता है तो उसे एक पैसेंजर प्लेन में ले जाया जा रहा है ताकि किसी को शक भी ना हो। यहाँ पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और इसका नाम मार्टी था। वो इस प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट की तरह काम करती है, पर जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है आधे फ्लाइट अटेंडेंट और आधे पैसेंजर्स पूरे प्लेन को हॉस्टेज कर लेते हैं और पता चलता है कि ये सभी रेन के आदमी हैं। सबसे पहले वो दोनों सीबीआई एजेंट को मार देते हैं और फिर प्लेन के पायलट को मारकर प्लेन का कंट्रोल ले लेते हैं। दूसरी तरफ जॉन वॉशरूम में होता है लेकिन वो प्लेन की सारी सिचुएशन समझ जाता है और प्लेन के एक फोन की हेल्प से वो अपने दोस्त को यहाँ की सारी सिचुएशन बता भी देता है। पर इतने में ही रेन के एक आदमी ने उसे देख लिया और जब वो उसे मारने जाता है तो जॉन बड़ी ही चालाकी से उसके गन छीन करके उसे ही गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन रेन तो इसके बदले में एक पैसेंजर को ही मार देता है। पर फिर भी जॉन जब उसके आदमी को नहीं छोड़ रहा था तो वो खुद अपने आदमी को ही मार देता है। जॉन को समझ में आ गया था कि वो अकेले इनका सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वो मार्टी के साथ प्लेन के कार्गो एरिया में भाग जाता है। यहाँ पर जॉन और मार्टी मिलकर के प्लेन का सारा फ्यूल नीचे फेंक देते हैं। तो अब ना चाहते हुए भी रेन को सर्वाइविंग पायलट को ऑर्डर देना पड़ता है कि वो एक छोटी सी जगह पर प्लेन को लैंड करा दे। मौके का फायदा उठा करके उधर जॉन और मार्टी उस प्लेन से कूदने की कोशिश करते हैं, पर इतने में ही रेन का एक आदमी मार्टी को पकड़ लेता है और जॉन को प्लेन से धक्का दे देता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी जब जॉन को देखती है तो उसे ये लगता है कि शायद यही टेररिस्ट है, तो वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। रेन एयरपोर्ट अथॉरिटी से कनेक्ट करके उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे जल्दी से जल्दी प्लेन की रिफ्यूलिंग चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हर 5 मिनट में वो 5 पैसेंजर्स को मारता रहेगा। वो ये भी कहता है कि जॉन उनका ही आदमी है पर अब वो उनके अगेंस्ट चला गया है तो अब वो उनके किसी काम का नहीं। उसका ऑर्डर सुन करके सभी लोग तुरंत ही प्लेन को रिफ्यूल करने लगते हैं और वादे के अनुसार रेन भी आधे पैसेंजर को छोड़ देता है। इस बीच वो पैसेंजर्स में अपने कुछ साथियों को भी छोड़ देता है ताकि प्लान में अगर कोई गड़बड़ आए तो वो लोग उसे संभाल लें। लेकिन दूसरी तरफ जॉन जब उन पैसेंजर्स को देख रहा था तो वो उनमें से एक रेन के आदमी को भी पहचान लेता है। उसे पकड़ने के लिए जॉन किसी तरह से खुद को छुड़ाता है और सीधा उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वो उस आदमी को जान से ही मार देता है और फिर वो रेन के पीछे पड़ जाता है। इस बीच उन दोनों के बीच काफी ब्रूटल फाइट होती है और आखिरकार जॉन रेन को पकड़ ही लेता है, पर रेन उनसे कहता है कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया और वो फ्लाइट में नहीं पहुंचा तो उसके बाकी के साथी बचे हुए पैसेंजर्स को मार देंगे। उसे कहकर आया हूँ कि 20 मिनट बाद लाशें बिछाना शुरू कर दें। रेन की ये बात सुनकर के वो सभी मजबूर हो जाते हैं और उन्हें रेन को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी सीबीआई का एक प्लान होता है। वो दूर से ही 2 स्नाइपर्स को लगा देते हैं ताकि रेन जैसे ही प्लेन में जाएगा और पैसेंजर्स को छोड़ा जाएगा दूर से वो स्नाइपर रेन को मार देंगे। रेन को सेफली पहुंचाने के लिए 2 ऑफिसर्स को भी उसके साथ भेजा जाता है, पर वो स्नाइपर्स तो उल्टा रेन के ही आदमी निकलते हैं, लेकिन जॉन बहुत बहादुरी से उन दोनों स्नाइपर्स को मार देता है। इधर रेन ने पायलट को टेक ऑफ करने का
ऑर्डर दे दिया था। और इधर जॉन एक शेरिफ की हेल्प से कार के ऊपर चढ़कर प्लेन के अंदर आने में सफल हो जाता है। सबसे पहले वो रेन के कुछ साथियों का सामना करता है और फिर वो सीधा रेन पर ही अटैक कर देता है। यहाँ पर उनके बीच काफी ब्रूटल फाइट होती है और इस फाइट के दौरान प्लेन का दरवाजा टूट जाता है और बहुत जोरों से बाहर की हवा अंदर की चीजों को बाहर खींचने लगती है। जॉन को एक आइडिया आता है और वो फाइट के दौरान रेन को लात मार करके उस प्लेन से बाहर फेंक देता है। प्लेन जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर था तो लाजमी सी बात है कि रेन नीचे जाकर मर गया होगा, जिसके बाद जॉन पायलट को पास के एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए कहता है और आखिरकार सभी लोग बच जाते हैं। मूवी की एंडिंग में जब सभी लोग जश्न मना रहे थे कि तभी कटर और उसकी साथी वहां से शांति से निकल जाते हैं। वो लोग कुछ दूर गए ही थे कि तभी एक शेरिफ उन्हें लिफ्ट दे देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की दुनिया की इंटरेस्टिंग मूवीज की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस अपने आप ही मिल जाएंगी, आपको कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो। इससे हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमें प्यार भेजते हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।